गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आशी एंड यहाँ बात करते हैं बजट फैशन, लेटेस्ट लिस्ट अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। सो मेरे चैनल पर चल रही प्रेगनेंसी सीरीज जिसमें आ रही बैक टू बैक प्रेगनेंसी स्टाइलिंग एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज। सो आज की वीडियो टॉपिक से समझ आ गया होगा बेबी शावर के बारे में कि मैंने अपने बेबी शावर पर क्या पहना था। एंड यहाँ पर जो बेबी शावर था ना वो मेरा 31 दिसंबर में था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लकीली प्रेगनेंसी में इतनी ठंड नहीं लगती है एंड आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग इंडियन। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वेलवेट सूट पहनती हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि सबसे पहले जैसा माओ मैंने कभी सोचा हुआ था कि आई विल वेयर अ साड़ी, बट साड़ी नहीं हो पाई इतनी विंटर्स में, मतलब आई वॉज अनकम्फर्टेबल विद दिस बॉडी। सो इसलिए मैंने सोचा कि सूट पे जाते हैं, वेलवेट सूट पहनते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है एंड विंटर्स में थोड़ा कंट्रोल भी करेगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। अगर आपके बेबी शायर जो है वो विंटर्स में है तो आप भी वेलवेट सूट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने किया था अपना मेकअप, जो कि ऐसा दिखता है। मैं भी मेकअप की वीडियो आगे डाल दूँगी, सो मैंने क्या क्या यू नो चीज़ें ऐड की थी अपने इस लुक को क्रिएट करने के लिए। सो अभी मैं करने जा रही हूँ अपना मेकअप एंड उसमें सबसे पहले विंटर्स हैं तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया है विद द हेल्प ऑफ ए मॉइस्चराइजर एंड अ लिप बाम। इसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ NY का प्राइमर एंड प्राइमर के बाद मिस क्लेयर की ये एल्यूमिनेटिंग क्रीम। ये ना बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, मतलब अगर पार्टी के लिए मेकअप करना है तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर दिस। यहाँ पर मैं कंसीलर से कंसील करूँगी थोड़े से डार्कर एरियाज नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड एंड अंडर आई। नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट जो फाउंडेशन है, जो कि मैं नॉर्मली विंटर्स में यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन के बाद मैं अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ एक लैकमे के, उससे सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर उसको सेट कर रही हूँ पाउडर से एंड आई नो कि मेरा जो ब्रश है ना वो टूट गया है, तो उसका ब्रश बचा था एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं गई हुई थी, घर पे नहीं थी, तो मुझे इसी को यूज़ करना पड़ा। नाउ मेरा बेस मेकअप हो गया है, कॉन्टोर रह गया है एंड कॉन्टोर करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा साइड से जो कॉन्टोरिंग करेंगे थोड़ा फेस को स्लिमर लुक दिखाने के लिए, एज़ यू नो प्रेगनेंसी में फेस काफ़ी चौड़ा हो चुका होता है। तो यहाँ पे मेरा बेस मेकअप हो गया है एंड नाउ आई एम डूइंग माय आईब्रोज। मैं नॉर्मल आईब्रो पेंसिल फिल करती हूँ एंड ये है मेरा हैक बहुत जल्दी आई मेकअप करने के लिए। तो उसमें मैं ऊपर आईलिड्स पे गोल्डन लिक्विड लगाऊंगी दोनों आईलिड्स पे, बहुत इजीली हो जाता है, लाइक यू कैन सी 5 मिनट में हो जाता है। सो आपको सारे स्पेस पर अच्छे से स्प्रेड करना है इसको एंड यू आर डन। जब भी मैं जल्दी में होती हूँ ना मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने का मन नहीं होता, तो मैं यही लिक्विड्स जो होते हैं आई शेडो के मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। नीचे मैं हल्का सा आईलिड पर लगा रही हूँ ब्लैक काजल एंड ब्लैक काजल यूज़ करने के बाद मेरा जो सूट है वो ग्रीन कलर का है, तो मैं उसमें ना ग्रीन कलर से शेड दूंगी ऐसे चारों तरफ से। तो जो इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर है वो मैंने काजल से छोड़ दिए जिससे कि जो शेड है ना वो दिखाई दे एंड बाकी का पूरे एरिया मैं उसको ऐसे अच्छे से काजल के साथ मिक्स कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छा ग्लिटरी ग्रीनिश लुक देता है, बहुत ही फाइन लगता है। इसको अप्लाई कर लेंगे दोनों आँखों पे एंड यू कैन सी इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड बहुत जल्दी हो जाता है। ये मेरा ब्लश है जो मैं विंटर्स में करती हूँ, नॉर्मली यूज़ करती हूँ क्योंकि आई हैव अ ड्राई स्किन एंड इसकी मैं रिव्यू वीडियो कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस लिपस्टिक की भी रिव्यू वीडियो मैंने अभी रिसेंटली की, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका मैंने पिंक वाला शेड यूज़ किया है एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर स्टिक। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, जिसके लिंक नहीं दे सकती एंड ता-दा आई एम रेडी। यू कैन सी कितना जल्दी मैंने अपना पूरा मेकअप निपटाया कि मेरे पास टाइम नहीं था बहुत। एंड नाउ मेकअप के बाद अब देखते हैं कि मैंने मेरा जो सूट था वो कैसा है एंड मैंने उसको कैसे स्टाइल किया था। सो सबसे पहले मेरा वेलवेट सूट, इसका जो ये दुपट्टा है ये तो ये ना सूट का जो प्लाजो था और सूट का कुर्ता था वो एक साथ एक पैर में आया था। शीबा एसेसफ्रास एक ब्रांड है जो मिंत्रा फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, तो उसी के सबसे पहले वेलवेट सूट्स मुझे पसंद है कि गुड क्वालिटी के सूट्स होते हैं, तो वहीं से मैंने इसको ऑर्डर किया था कुर्ता सेट को। एंड दुपट्टा उसका अलग से है क्योंकि दुपट्टा उसके साथ नहीं आता तो, और मुझे पूजा के लिए दुपट्टा चाहिए था, सो आई थॉट कि मैं उसको एक अलग से मिक्स एंड मैच करती, इसलिए मैंने इस पर ना ये दुपट्टा लिया था जिसपे एक सीध सितारों वाला वर्क है तो थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देगा। एंड नेट का दुपट्टा लिया था कंट्रास्ट कलर में कि जो इसके जो सूट का डिज़ाइन है ना उसको हाइड नहीं करेगा, प्लस ये इसमें ब्लूइश दिख रहा है बट ये ग्रीनिश सूट है, थोड़ा सा लाइट में कलर दिखता है। तो ये जो सूट है ना ये बहुत ही प्रिटी वेलवेट है एंड इसके साथ मैंने येलो कलर का दुपट्टा वेयर करा था क्योंकि पूजा में येलो कलर का पहनना होता है एंड कंट्रास्ट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था एंड ट्रस्ट मी सबको लग रहा था कि ये मतलब मैंने पूरा पैर लिया, ऐसा नहीं लग रहा था मैंने अलग से मिक्स एंड मैच किया है। तो आप चाहें तो आप कंट्रास्ट में पेयर कर सकते हैं
सेम कलर का दुपट्टा ले सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर का भी दुपट्टा ले सकते हैं। एंड ये जो पेंट है ना, इसका जो प्लाजो है, ये मैंने जो सूट लिया था डबल एक्सेल साइज़ में लिया था, मेरा नॉर्मल साइज़ मीडियम है। एंड मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ लिया था क्योंकि मुझको था कि पेट से मुझे कोई भी पैंट कसी हुई ना अच्छी नहीं लग रही थी इस टाइम पर, सो आई वॉन्टेड कि थोड़ी सी ढीली उतर तो जाएगी नहीं, तो इसके लिए सो मैंने डबल एक्सेल साइज़ में ही लिया था। एंड यहाँ पर इसका जो सामने से तो नॉर्मल फ्रंट से बेल्ट है एंड पीछे से इलास्टिक वाला वेस्ट है इसका। एंड इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन का यू कैन सी इसके जो पैंट का बॉटम है ना, बिल्कुल नीचे वाला जो एंकल के साइड पे एरिया आता है उसमें ये ऐसा करके इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है। ये थोड़ा सा कढ़ाई वाला वर्क है तो इसकी वजह से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, प्लस सारा प्लेन है। एंड इसमें ये जो गोल्डन कलर की कढ़ाई है इसी सेम कुर्ते पे भी है, इसकी वजह से ही मैंने अपने जो आईलेट्स हैं ना उसमें ऊपर की साइड गोल्डन मेकअप किया था एंड नीचे ग्रीन कलर चूज़ किया था, जिसको पूरे मेकअप को पूरे लुक के साथ एकदम यू नो बैलेंस कर रहा है। एंड अगर मैं कुर्ता दिखाऊँ तो कुर्ता भी वी नेक कुर्ता है, वी नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। एंड इसका वी नेक का आप देख सकते हैं, इसके वी नेक पे भी ऐसे ही सेम कलर गोल्डन कलर का डिज़ाइन है। एंड इसकी स्लीव्स पर भी गोल्डन और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो 3/4 काइंड ऑफ स्लीव। सो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता था। एंड कुर्ता पैंट और उसके साथ जो दुपट्टा आया ना वो बहुत ही अमेजिंग, उसने उसका लुक को एकदम चेंज कर दिया। सो सिमिलरली अगर आप भी किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं और आप वेलवेट सूट लेना चाहते हैं, और अगर आपको पसंद आया दुपट्टा और जो कुर्ता सेट है दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दुपट्टा भी फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था। एंड इसी तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको अगर वेलवेट सूट किसी और कलर का है तो आप कंट्रास्ट में नेट का या फिर सेम कलर का वेलवेट का दुपट्टा भी उसके साथ मैच कर सकते हैं। एंड अब मैं दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी। ये मैंने अमेजोन ज्वेलरी हॉल में नेकलेस सेट दिखाया था, इसी को मैंने पेयर किया था। यू कैन सी इसमें ना यहाँ पे ग्रीन कलर का कुंदन वर्क है, प्लस पिंक कलर का है, वाइट कलर के इसमें पर्ल्स दिए हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, ग्रीन कलर उससे मैच हो रहा था, गोल्डन कलर मैच हो रहा था। इसके अलावा जो पिंक कलर है वो कंट्रास्ट दे रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसमें वाइट कलर के पर्ल्स हैं और ये पूरा चोकर नेक है, तो वी नेक जब भी आप कोई आउटफिट पहन रहे हैं उस पर चोकर नेक का नेकलेस बहुत अमेजिंग लगता है। एंड इसके साथ के इयररिंग्स ऐसे छोटे छोटे से हैं चांद वाली टाइप के, तो बहुत ही प्रिटी इयररिंग्स है। मैंने अपने हेयर को ओपन रखा था, पहले मैंने सोचा था कि आई विल मेक अ बन, बट विंटर्स नहीं तो मुझे ओपन ही अच्छा लगा, सो आई थॉट कि ओके लेट्स गो विद द ओपन हेयर। और अब बात करते हैं हेयर स्टाइल। मैंने ना बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल किया था, लाइक ऐसे अपने बालों को बीच में से पार्टीशन कर लिया उसको, एंड यहाँ से ऐसे फ्लिक ली एंड इसको ऐसे, ठीक है, बस ऐसे करके, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं, ठीक है, ओपन हेयर ही रखती हूँ, नॉर्मल बॉबी पिन की हेल्प से इसको बंद कर लिया। सेम चीज़ मैंने दोनों साइड अप्लाई की है, एंड इसको करने का, हेयर स्टाइल को करने का रीज़न ये था ना कि क्योंकि विंटर सीजन तो मुझे ओपन हेयर रखने थे कि ठीक है आई वॉज कम्फर्टेबल विद द ओपन हेयर, बट ऐसे में मेरे ना इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे इस नेकलेस के साथ के, तो मैंने ऐसे करा था ना तो इयर रिंग्स थोड़े विजिबल हो रहे थे। एंड नाउ अब मैं दिखाती हूँ अपना पूरा कम्प्लीट लुक, ये कैसा लग रहा था।